वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड वो कंपाउंड होते हैं, वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर कम से कम एक अमीनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप होता है। एसिडिक ग्रुप होता है कौन सा? मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब हम अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले अमीनो एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट होती है, COOH होता है, उस कार्बन को हम लेते हैं रेफरेंस कार्बन। उस रेफरेंस कार्बन के साथ एक कार्बन चेन होती है, जो कार्बन उससे जुड़े हुए होते हैं। उन कार्बन को, इस कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, इसको रेफरेंस मान के नेम दिया जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाले कार्बन से जुड़े हुए पहले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके बाद वाले को बीटा कार्बन, गैमा कार्बन एंड सो ऑन। अब जो अमीनो एसिड होगा उसमें एक अमीनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप होगा, ये तो कन्फर्म है। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट टू हमें काउंट करना है, तो अमीनो ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग नेम हम देंगे। अगर अमीनो ग्रुप लगा है अल्फा कार्बन पे, जैसे यहाँ पे अल्फा कार्बन के ऊपर अमीनो ग्रुप लगा है, तो हम कहेंगे अल्फा अमीनो एसिड। अगर ये अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप किसी और कार्बन पे लगा होता, मान लिया बीटा कार्बन पे लगा होता, यानी इससे नेक्स्ट कार्बन पे लगा होता, तो क्या होता? बीटा अमीनो एसिड। उसे नेक्स्ट पे लगा होता तो गैमा अमीनो एसिड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा और गैमा अमीनो एसिड को क्लासीफाई करते हैं कि किस पोजिशन के ऊपर आपका अमीनो ग्रुप लगा है। अब सबसे खास बात क्या है कि 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्या है? वो अमीनो एसिड जिनसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे प्रोटीन्स बने हुए हैं। तो जो प्रोटीन्स बने हुए हैं जिन अमीनो एसिड से, वो सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड हैं। अगर वो सारे अल्फा अमीनो एसिड हैं, तो हम किसकी बात करेंगे? मेनली अल्फा अमीनो एसिड की ही बात करेंगे। बीटा और गामा को हम एक बार साइड में रखते हैं। क्लासिफिकेशन, अल्फा अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन हम क्लासीफाई किस तरीके से करते हैं? इसमें हम तीन जनरल कैटेगरी बनाते हैं। एक कैटेगरी है कि हम असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड के बारे में बात करें, या फिर हम एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड के बारे में बात करें, या फिर हम अमीनो एसिड को साइड चेन के पोलर और नॉन पोलर होने के आधार पर क्लासिफाई किए। बात करते हैं असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड की। असेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमें डाइटरी इनटेक में जरूरी होते हैं, हमें खाने में लेने जरूरी हैं। खाने में जरूरी क्यों है? क्योंकि ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। दूसरा है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत तो है, बट उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद से भी सिंथेसाइज कर सकती है। फिर बात आती है एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड की। अब अमीनो एसिड है तो सीधी सी बात है, मॉलिक्यूल में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप है ही। बात रहेगी किसकी? साइड चेन की। जो साइड चेन यानी अल्फा कार्बन के साथ, हमारे सारे अल्फा अमीनो एसिड की हम बात कर रहे हैं, तो अल्फा कार्बन के साथ जो ये साइड चेन लगी हुई है, जो आर ग्रुप यहाँ पे शो किया रखा है, इस आर ग्रुप की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि आपका अमीनो एसिड एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। मान लिया ये आर ग्रुप क्या है, न्यूट्रल है, तो पूरे मॉलिक्यूल में एक एसिडिक और एक बेसिक यूनिट है, अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड एक एक यूनिट है, तो ऑन दी होल न्यूट्रल है। अब अगर आर ग्रुप भी न्यूट्रल होगा तो हमारा अमीनो एसिड क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अगर हमारा आर ग्रुप क्या है? एसिडिक है, यानी उसके अंदर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आर ग्रुप के अंदर, तो हमारा अमीनो एसिड ऑन दी होल क्या बन जाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड। अगर हमारा आर ग्रुप एसिडिक भी नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, उसमें बेसिक यूनिट है, बेसिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमारा ऑन दी होल मॉलिक्यूल क्या बनेगा? बेसिक अमीनो एसिड। इसी तरीके से अमीनो एसिड को इस आधार पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है कि साइड चेन जो है, ये आर ग्रुप है, ये पोलर है या नॉन पोलर है। कुछ पोलर हो सकते हैं, कुछ नॉन पोलर हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं अब कॉमन अल्फा अमीनो एसिड की, या कॉमन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की हम बात करें, तो हमारा सबसे सिंपल एग्जाम्पल है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन के अंदर क्या होता है कि जो आर ग्रुप है वो सिर्फ हाइड्रोजन होता है। एलानिन के अंदर आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप होता है। वेलाइन के अंदर आर ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। इस तरीके से आर ग्रुप चेंज करते जाओ, हम डिफरेंट डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे आइसोल्यूसिन, मिथियोनाइन, प्रोलिन, सिस्टीन, हर एक के अंदर क्या है, आर ग्रुप में डिफरेंस है। हर एक का आर ग्रुप क्या है, डिफर कर रहा है। आर ग्रुप ही डिफर कर रहा है सिर्फ। वैसे ही आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, सीरीन, थ्रियोनाइन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन। अब एक बात और है कि जो
एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं जिनके अंदर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि एस्पार्टेट या फिर ग्लूटामेट। इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट है साइड चेन के अंदर, यहां भी साइड चेन में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट है। तो ऐसे अल्फा अमीनो एसिड के साथ हम सफिक्स यूज करते हैं एट, जैसे एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। और अगर हमारा बेसिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो साइड चेन के अंदर, जैसे यहाँ आर्जिनिन के अंदर है या फिर लाइसिन के अंदर है, हिस्टिडीन के अंदर है, बेसिक यूनिट प्रेजेंट है साइड चेन के अंदर, तो हम उसका सफिक्स लगाते हैं इन। इस तरीके से जैसे सीरीन, थ्रियोनाइन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, इन सब के अंदर क्या है, बेसिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है साइड चेन के अंदर। अब बात करते हैं ज्विटर आयन की। ज्विटर आयन क्या है? ज्विटर आयन है डाइपोलर आयन। वैसे तो हम आयन की बात करते हैं तो सोचते हैं कि या तो कैटायन होगा या फिर एनायन होगा, लेकिन डाइपोलर आयन्स भी होते हैं जिस एक ही स्पीसीज के अंदर कैटायनिक पार्ट भी होगा, एनायनिक पार्ट भी होगा। जो आपका अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड है, उसके अंदर क्या है, एक एसिडिक यूनिट है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बेसिक यूनिट है अमीन ग्रुप। अगर एसिडिक यूनिट एस पॉजिटिव लूज कर दे तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोक्सिलेट एनायन बन जाएगा। और वैसे ही अगर अमीन ग्रुप एच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन बन जाएगा। तो ज्विटराइन क्या है, आपका जो अल्फा अमीनो एसिड है उसकी डाइपोलर आयन की फॉर्म में प्रेजेंस, जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलेट एनायन और सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन। अब ज्विटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ये हमें कैसे पता लगता है? जो अल्फा अमीनो एसिड हैं उन अमीनो एसिड को अगर हीट किया जाए, मेल्ट किया जाए, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट होते हैं और मेल्टिंग के साथ उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। जो ये प्रोबेबिलिटी है मेल्टिंग के साथ ब्रेकडाउन होने की और हाई टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होने की, यह है आयनिक कंपाउंड की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब हमारा जो अमीनो एसिड है वो कोवलेंट मोलिक्यूल तो नहीं है, आयनिक मोलिक्यूल है। दूसरा, जो ज्विटर आयन की फॉर्म में प्रेजो, दूसरा अगर ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता, आयनिक या ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसे सोल्यूबल होना चाहिए था नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जबकि वो उनमें सोल्यूबल है ही नहीं। ये तो वाटर सोल्यूबल है, पोलर कंपाउंड में, पोलर सोल्वेंट में सोल्यूबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आयनिक फॉर्म में है, यानी कि ज्विटर आयन फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अब अगर आपने इस अमीनो एसिड मॉलिक्यूल को लो पीएच सॉल्यूशन में, लो पीएच के बफर के अंदर रखा तो क्या होगा? जब लो पीएच या कहूं एसिडिक कंडीशन में रखा जाए तो जो ज्विटर आयन के अंदर नेगेटिव पार्ट है या फिर एनायन स्पीसीज हैं वो क्या करेंगी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगी और वहां पे कार्बोक्सिलेट एनायन की बजाय COOH बन जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएगा। दूसरा, जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन जो है वो एसिडिक कंडीशन में जाने पे चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो पहले से प्रोटोनेटेड है और कोई प्रोटॉन तो उस पर आ नहीं सकता। अगर हम बात करें कि इसकी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर रखें, बेसिक बफर के अंदर रखें, हाई पीएच के ऊपर रखें ज्विटर आयन को, तो क्या होगा, हाई पीएच पे इसके अंदर क्या चीज है जो बेस एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है? यहां जो एनायन है उसमें से कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट बेस कर नहीं सकता, तो क्या करेगा, बेस इससे एक प्रोटॉन ले लेगा, इसे न्यूट्रल अमीनो ग्रुप बना देगा और यहां पे कार्बोक्सिलेट एनायन है ही। इसका मतलब क्या हुआ कि हाई पीएच यानी बेसिक कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है अमीनो एसिड का वो एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और लो पीएच यानी एसिडिक कंडीशन के अंदर जो मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड का वो कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब बात आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करते हैं या फिर प्योरीफाई करते हैं। किसके बेसिस पे, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा किस साइड, एनायन एनोड की तरफ जाएगा, कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब डिफरेंट डिफरेंट पीएच के ऊपर हमारा जो पार्टिकल होगा या फिर वो मैं अमीनो एसिड यूनिट होगी वो कैटायनिक भी हो सकती है, एनायनिक भी हो सकती है, और उसके हिसाब से क्या करेगा, वो मूव करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो,
जो ब्लू ग्रीन कलर है या फिर रेड कलर है या फिर ऑरेंज कलर है, ये तीन अलग अलग अमीनो एसिड सेपरेट हो गए, जो इनका हमने मिक्सचर बीच में लिया था वो सेपरेट हो गए किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अब लो पीएच के ऊपर कैटायन की फॉर्म में है, हाई पीएच के ऊपर एनायन की फॉर्म में है, यानी कि अगर हमारी पीएच काफी कम हो, उस बफर सॉल्यूशन की पीएच काफी कम हो, तो हमारा जो कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है अमीनो एसिड वो कैथोड की तरफ मूव करने लग जाएगा। लेकिन अगर हमारे उस सॉल्यूशन की, उस मीडियम की जो पीएच है वो ज्यादा है, वो बेसिक सॉल्यूशन है, तो जो अमीनो एसिड होगा, अमीनो एसिड की जो यूनिट होगी वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अब एक टर्म आती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? पीएच की वो वैल्यू, किसी अमीनो एसिड के लिए पीएच की वो वैल्यू जिसके ऊपर वो ज्यूटराइन की फॉर्म में रहता है, उसकी मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ज्यूटराइन की फॉर्म में रहती है, एनायन या कैटायन बन के नहीं रहता, तो उस पीएच वैल्यू क्या बोलते हैं? उस अमीनो एसिड का, पर्टिकुलर अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जब वो ज्यूटराइन की फॉर्म में रहेगा, यानी उस पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रहेंगे, तो क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान उसके ऊपर कोई नेट फोर्स लगेगा? क्या वो मूवमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? इक्वल कैटायनिक चार्ज है, इक्वल एनायनिक चार्ज है, तो इस वजह से क्या होगा? बैलेंस फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। तो आप ये भी कह सकते हो कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच वैल्यू है जिसके ऊपर कोई अमीनो एसिड इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान माइग्रेट नहीं करता। तो ये था आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आज के लिए इतना ही।